हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर सोनिया सिंह और आज मैं आपके लिए कक्षाचार विषय हमारा परिवेश प्रकरण हमारा भोजन की शिक्षण योजना लेकर आई हूं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लाइक करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चार कॉलम बनाने हैं इसमें हम दिनांक क्लास सब्जेक्ट और टाइम ये नोट करेंगे और फिर लर्निंग आउटकम्स आते हैं लर्निंग आउटकम्स में विभिन्न भोज्य पदार्थों के नामों तथा तो उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की सूची बना लेते हैं तथा तो संतुलित आहार से संबंधित भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत कर लेते हैं नेक्स्ट है भोजन के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताते हैं छात्र अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद भोजन के प्रमुख स्रोतों के बारे में भी बता देते हैं प्रकरण है हमारा भोजन और सीखने सिखाने की सामग्री में मध्यान्ह भोजन की समय सारणी तालिका तथा बच्चों के पसंद के भोज्य पदार्थ सीखने सिखाने की गतिविधियां हैं इसमें चार पॉइंट दिए गए हैं क्रम संख्या चरण समय और आकलन का तरीका शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों से उनके पसंदीदा खाने की सूची बनवाएंगे तथा रसोई घर से फल सब्जी आदि एकत्र करके लाने को कहेंगे समय है पाँच मिनट और आकलन का तरीका है अवलोकन शिक्षण के दौरान संतुलित भोजन भोजन की आवश्यकता भोजन के स्रोत पोषक तत्व भोजन प्राप्ति के मुख्य स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे और आकलन का तरीका रहेगा अवलोकन व चर्चा शिक्षण के बाद में शिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका में पौधों व जानवरों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाने को कहेंगे इसमें आकलन का तरीका है अवलोकन और समय रहेगा पांच मिनट गतिविधि गतिविधि में शिक्षक छात्रों को घेरे में बैठाकर कर सह सविता सहस्वर कविता का वाचन कराएंगे हमारा भोजन हमारा भोजन के ऊपर ये कविता है ऊर्जा तो है बस वही क्षमता जिसमें व्यक्ति हर कार्य करता हमें यह ऊर्जा कहाँ से मिलती कैसे शरीर की मशीन चलती इस तरह से कविता है शिक्षक छात्रों को स्वर वाचन कराएंगे और श्याम पटकार्य में भोजन के स्रोत हैं पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन और जंतुओं से प्राप्त भोजन इसमें छात्रों को कंपैरेटिवली स्टडी कराएंगे और इनकी पिक्चर्स बनवाएंगे गृह कार्य में हम छात्रों को सभी बच्चे दादा दादी मम्मी पापा से पूछकर लिखेंगे कि आपकी उम्र में वे क्या खाते थे आप उनसे क्या भिन्न भिन्न भी अलग खाते हो अपने घर में भोजन पकाते समय प्रयुक्त होने वाले मसालों की सूची बनाओ और आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सभी खबरें नवाचार एक्टिविटीज निष्ठा प्रशिक्षण और भी बहुत सारे अन्य ट्रेनिंग्स के बारे में पता चल सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाय बाय